दोस्तों नमस्कार है, वीटी ब्लॉग इसमें आप पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है करवा चौथ है और सबसे पहले तो करवा चौथ की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। और आज मैं आपको करवा चौथ के विषय में थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। कब से करवा चौथ का व्रत रखेंगे, क्यों व्रत रखेंगे, कब करवा चौथ का जो एक शाम को चंद्र उदय होने पर महिलाएं हैं वो अपना व्रत खोलेगी, क्या क्या करना है, इसके विषय में पूरी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज है 20 अक्टूबर 2024। अखंड सौभाग्य का व्रत आज बार रविवार को है। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की तिथि तीज है। योग विष्टिकरण दिशा सोल पश्चिम का है। आज चंद्रमा की बात करें तो वृषभ राशि का आज चंद्रमा है। सुबह 6:46 पे चतुर्थी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तीज और चतुर्थी है वो एक साथ है, जिसका समापन अगले दिन सूर्योदय से पहले ही हो जाएगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत रविवार को ही रखना जरूरी है। इस समय रोहिणी नक्षत्र है। करवा चौथ में सुबह में भद्रा है, जिसका स्थान वास सुरुग में है। सुरुग का भद्रा का दुष्ट प्रभाव होता है, वो एक धरती पर नहीं होता, इसके लिए भद्रा माने नहीं होती है। ऐसे में करवा चौथ में भद्रा माने नहीं है। इसमें महिला अपने निडर होकर करवा चौथ का व्रत आरंभ से कर सकते हैं। करवा चौथ को सुबह से लेकर मतलब 11 बजे तक अपना साग हार जो फल वगैरह है वो खा सकते हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक ये व्रत है वो बिना खाए पिए ही रहेगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ खलती नहीं है। सगार वगैरह थोड़ा बहुत ले और वो बिन खाए व्रत रखे। शुभ मुहूर्त में शाम को करवा माता का गणेश जी भगवान शिव की कार्तिकी की पूजा करें, विधि पूर्वक करें। करवा चौथ का चंद्र शाम को 7:54 पर निकलेगा। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें और व्रत को पूरा करें, और चौथ के व्रत को बिना नमक वाले भोजन से करना चाहिए। इससे मीठा भोजन करने का विधान है। करवा चौथ को रविवार व्रत में माना जाता है। सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्यदेव के समय अर्घ देकर सूर्य मंत्र का जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्यदेव को लाल चंदन से फूल लाल फल से चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को शुभ प्रभाव के लिए रविवार को तांबा तांबे के बर्तन में भोजन करें। इस तरह में जो करवा चौथ के विषय में थोड़ी सी चर्चा की है, और ये जो एक शुभ जो एक टाइम है, इसी करवा चौथ में जो एक महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेगी वो अपने जो पूरे परिवार के लिए एक सुख और खुशहाली के लिए ये व्रत है। और अगली जब करवा चौथ आएगी तब तक इसमें मतलब कोई भी प्रकार की महिलाओं में या अपने परिवार में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी शुभ घड़ी में ये करवा चौथ का व्रत आए हैं। करीब कितने ही सालों के बाद ऐसा जो योग बन रहा है, ये नक्षत्र है और उस नक्षत्र में करवा चौथ आई है। वो करवा चौथ कई कई इस प्रकार जो हमारे हिंदू धर्म में जो एक पंचांग के अनुसार बताते हैं कि जो एक ऐसा कोई शुभ अवसर आता है तो वो एक साल के बाद फिर वापस आता है, तो तब तक वो एक खुशहाली का एक मार्गदर्शन दिखाता है कि आने वाली जो एक अगली जो एक साल के बाद जो तिथि आएगी उसमें मतलब करवा चौथ आएगी, तो करवा चौथ तक कोई प्रकार की जो हमारे महिला है उसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। महिलाओं को क्या करना चाहिए कि करवा चौथ के दिन है वो एक ही टाइम व्रत का जो सगार होता है वो एक ही टाइम होता है, वो इसमें लगाया गया है कि सूर्योदय से पहले कर ले, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। फल खा सकते हैं, क्योंकि फल में कोई अवगुण नहीं होते हैं। वो भी फल एक जो रसदार फल होता है और जो कई प्रकार जो बीज वाला फल होता है वो नहीं खाए, तो इसके विषय में पूरी जानकारी आपको ये बता रहा हूँ, जो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शाम को चंद्र उदय होने के बाद वो एक अपना जो व्रत करते हैं उसका नियम होता है, जो अपने पति के जो एक जो चालनी होती है उससे मुख देखते हैं और उसका मुख देखकर इसमें कई प्रकार की कहानियां आती है। ऐसा बताया जाता है कि ये करवा चौथ का ये व्रत कब से ये मुख देखना शुरू हुआ था, चालनी के अंदर मुख देखना शुरू हुआ था, तो बताया जाता है कि जो हमारे कई सालों पहले मुगल का शासन था उसमें मतलब हमारे हिंदुओं के जो एक लोग थे उसको मुगलों ने वो
अपने सीमा पर ले जाया गया और उस सीमा पर रक्षा करने के लिए उसको फौज के रूप में वहाँ पर एकत्रित किया। उसको मतलब करवा चौथ का जो व्रत है महिलाओं का, तो उसको मतलब घर पर आने नहीं दिया। इसके आधार पर मतलब करवा चौथ के व्रत के दिन वो उसकी जो पत्नियाँ थी जो फौजी थे मुगलों के राज में, उसको मतलब याददाश्त के अंदर जो एक चलनी के अंदर उसका जो सीमा पर अपनी लंबी आयु के विषय में जो एक सूर्य चंद्रमा को अर्घ देकर, सूर्य को नहीं चंद्रमा को अर्घ देकर और उसका जो चंद्रमा देकर वो व्रत कर किया और वो अपना व्रत खोला, तो इसकी याददाश्त में वो एक चंद्रमा को देखकर चलनी माकर जो अपने पति का मुख देखकर वो मनाते हैं। तो दोस्तों इससे जो करवा चौथ के विषय में थोड़ा सा आपको ये जानकारी बताई है और इसके आधार पर मैं जैसा आपको हमने इधर उधर से जानकारी मिली है शास्त्रों के द्वारा, तो इसके आधार पर मैं आपसे चर्चा की है। तो आज का जो करवा चौथ का व्रत है वो मंगलम रहेगा और ज़्यादातर महिलाएँ हैं वो अपने करवा चौथ पे अपनी घर की साफ सफाई का काम करके वो व्रत करेगी। और कुछ ही टाइम दीपावली आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।